अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हैं? आज बनाने जा रही हूँ अंडे की बिरयानी, यानी कि एग बिरयानी। चलिए बनाते हैं। यहाँ अंडा बिरयानी के लिए मैं चावल, यहाँ मैं आधा घंटे से मैं भिगो के रख ली हूँ चावल को। ये इंडिया गेट बासमती चावल है ये। यहाँ आधा किलो से थोड़ा ज्यादा है चावल ली हूँ। अभी मैं मसाले बताती हूँ। मिर्च पाउडर, नमक, 6 से 7 अंडे उबले हुए, आलू, टमाटर, प्याज, हरिया धनिया, पुदीना, नींबू, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, यहाँ घी और यहाँ तली हुई प्याज, परिस्ता भी बोलते हैं इसे, तली हुई प्याज, यहाँ पर जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं सूखे गरम मसाले बताती हूँ। यहाँ तेज पत्ता, शाह जीरा, दालचीनी और यहाँ बड़ी 2 इलायची, चक्रफूल, 6 छोटी इलायची, 10 लौंग, काली मिर्ची और यहाँ पर जायफल का फूल, जावित्री का फूल ली, और यहाँ पर बादाम, काजू, किशमिश, ये तलकर हम इसमें डाल लेंगे। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। किशमिश और दही, दही भी इसमें जाता है। यहाँ पर मैं गैस ऑन कर ली हूँ, कढ़ाई को रख दी हूँ। अब हम अंडे में थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको ये थोड़ा कलर आता है इसीलिए ऐसा मैं मिलाकर रख लेती हूँ, थोड़ा सा बस इतना, इसको साइड में रख लेती हूँ। अब मैं इसमें घी ले रही हूँ, ये खाने का घी है, घी ले रही हूँ मैं। ये घी में अब बादाम, काजू, किशमिश को हम तल लेंगे, काजू और बादाम। देखिए अच्छे से तल ली हूं मैं, इसको निकाल लेती हूँ। किशमिश को लास्ट में ही तलना है, इसके साथ बादाम के काजू के साथ तल लेंगे तो किशमिश जल जाती है, इसीलिए किशमिश को लास्ट में तल लेंगे। इसको भी अच्छे से तल लेंगे। कढ़ाई बड़ी है, किशमिश बहुत छोट दिस रहे हैं इसमें। अंडा बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, आप ध्यान से देखकर बनाइए। आप बस इतना ही, मैं इसको भी काट लेती हूँ। ये तल चुका है हमारा ड्राई फ्रूट, अब इसी में ही तेल लेती हूँ। बिरयानी को तेल बहुत जाता है, बहुत सारा जाता है, ये सभी को पता है, बिरयानी में तेल जाता है। मैं यहाँ 2 कप से ज्यादा तेल ले रही हूँ बस। इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे। यहाँ 2 तेज पत्ता, जावित्री का फूल, थोड़ी सी शाहजीरा, थोड़ी और 4 से 5 दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची 5 से 6, चक्रफूल, 2 बड़ी इलायची। अब इसको हम इसमें डाल लेंगे, थोड़ा सा तेल में इन सूखे मसालों को भून लेंगे। सूखे मसाले भी बोलते हैं इसे, खड़े मसाले भी बोलते हैं।
अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे। मैं प्याज दो बड़ी साइज की काटी हूँ। प्याज मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ, जो भी बिरयानी बनाती हूँ, मुझे प्याज और टमाटर थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसीलिए मैं दो बड़े साइज की प्याज काटी हूँ। अगर बड़े साइज की नहीं है तो आप मीडियम साइज के तीन प्याज ले सकते हैं। प्याज को अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा। ये झटपट बन जाती है, मसाले रेडी हुए तो झटपट जल्दी बन जाती है बिरयानी। प्याज को हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे। अब मैं दूसरी साइड में इस चावल का पानी रख लेती हूँ। यहाँ चावल के लिए मैं पानी एक बर्तन में रख ली हूँ। इसमें भी दो तेज पत्ता और थोड़ी सी शाहजीरा, और यहाँ पर मैं पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, क्योंकि चावल अच्छे सफेद होते हैं, खिले खिले होते हैं चावल। नींबू और ये छिलका भी इसमें ही मैं डाल देती हूँ, और इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। मैं यहाँ नमक थोड़ा ज्यादा ली हूँ, क्योंकि पानी इस पर पानी चावल का निकालना है, इसीलिए नमक थोड़ा ज्यादा जाता है। मैं तीन स्पून डाली हूँ। आप चावल ज्यादा कम कर सकते हैं, ज्यादा कम यानी कि मैं आधा किलो चावल का ली हूँ, आप एक किलो लिए तो जो मसाले मैं बता रही हूँ उसका डबल कर लेना आप। मसालों को, तेल को, सभी को डबल कर लेने से बराबर से आ जाएगा। और थोड़ा हमारी प्याज भूनना है, और थोड़ी सी, जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं तभी भी मैं ये बिरयानी बनाती हूँ। सब पसंद से खाते हैं हमारे घर में, सब पसंद से खाते हैं। ये चिकन मटन खाकर बेजार हो गए तो आप एक बिरयानी बनाकर खा सकते हैं आराम से। आप गेस्ट को भी बना, जो भी आपके घर में मेहमान आते हैं उनको बनाकर खिलाइए, वो भी बहुत खुश होकर खाएंगे, कितनी अच्छी बनी है ये, आप कितना अच्छा बनाए हैं, ऐसा बोलकर जाएंगे। ये चक्रफूल है, चक्रफूल को बादियान का फूल भी बोलते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता, इसे बादियान का फूल भी बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है। ये चक्रफूल है और इसको बादियान का फूल भी बोलते हैं। मैं और थोड़ी सी ब्राउन कर लेती हूँ प्याज को। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अभी मैं इसमें मसाले डाल लेती हूँ। चलिए मसाले डालेंगे अब इसमें। सबसे पहले मैं यहाँ डेढ़ स्पून अदरक और लहसुन, डेढ़ डेढ़ स्पून, तीन स्पून लेकर है मैं अदरक लहसुन। दो टीस्पून जितनी मैं कस्तूरी मेथी ले रही हूँ, कस्तूरी मेथी क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी रहती है इसमें, इसीलिए मैं कस्तूरी मेथी दो टीस्पून ले रही हूँ कस्तूरी मेथी। अब यहाँ गरम मसाले, यहाँ ये गरम मसाला है, आधा टीस्पून डाल रही हूँ मैं। जीरा पाउडर एक स्पून, धनिया पाउडर दो टीस्पून ले रही हूँ, दो स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें मैं दो स्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, दो स्पून लाल मिर्च पाउडर। इसको हम अब अच्छे से इसको भून लेंगे। कस्तूरी मेथी की भी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें।
मैं दूसरी बिरयानी में नहीं डालती हूँ, ये अंडे की बिरयानी में कस्तूरी मेथी मैं डालती हूँ। मसाले अच्छे से पक रहे हैं, अभी मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। टमाटर मैं चार मीडियम साइज के चार टमाटर ली हूँ, टमाटर को भी मैं डाल लेती हूँ। अच्छे से हम पकने देंगे, टमाटर को भी अच्छे से पकने देंगे। अभी मैं इसमें नमक ले रही हूँ। नमक डालने से प्याज जब भी आप फ्राई करते हैं तेल में, थोड़ा नमक डाल लीजिए, झटपट आपकी प्याज फ्राई होती है। और जब भी आप टमाटर डालते हैं, टमाटर के साथ नमक डाल लेने से टमाटर भी बहुत जल्दी गल जाते हैं। मैं यहाँ दो टीस्पून नमक ली हूँ। इसको अच्छे से हम टमाटर को पकने देंगे, गलने देंगे। यहाँ पर टमाटर गल चुके हैं, अभी इसमें मैं आलू डाल लेती हूँ। मैं यहाँ दो आलू ली हूँ। आलू को मैं पहले से फ्राई करके थोड़े नरम कर ली हूँ, क्योंकि आलू इसमें जल्दी गलना है, इसीलिए आलू को डाल लेती हूँ। यहाँ एक पैन रख ली हूँ मैं, इसमें थोड़ा तेल डाल लेती हूँ। बस जो अंडों को मसाला लगा कर रख ली थी ना मैं, अभी मैं इसमें डाल लेती हूँ। इन अंडों को थोड़ा सा हम तल लेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब इसमें मैं चार से पांच छह हरी मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरिया धनिया। जो प्याज तल कर रख लिए थे ना हम, अब इसमें मिला लेंगे वो भी प्याज। आधी हम खाने के लिए रख लेंगे, आधी हम इसमें डाल लेंगे। इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। आप नमक एक बार चेक कर लेना, इसमें देखकर आप नमक तीखा आपको और चाहिए तो आप इसमें डाल लेना। पकड़ना देखते हैं, अभी मैं यहाँ अंडों को देख लेती हूँ। अंडे ज़्यादा नहीं तलना है, क्योंकि मुंह में आने से वो बहुत सख्त लगते हैं। बस मुझे इतना ही चाहिए था अंडों को, अभी मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैं इसमें एक कप दही भी डाल लेती हूँ। तो अच्छे से हम मिला लेंगे। माशाल्लाह मसालों की, टमाटर, हर एक चीज की खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, उतनी अच्छी आ रही है। अब इसमें मैं जो अंडों को तल ली थी उसको भी मैं डाल लेती हूँ। ये देखिए अंडों की अखनी भी तैयार हो गई है।
अभी मैं इसमें नींबू का रस डाल लेती हूँ। मैं नींबू आपको देर दिखाई थी ना, अभी मैं इसका रस भी डाल लेती हूँ। इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। तैयार हो गया है, स्टोव को बंद कर लेती हूँ। अब चावल की तरफ मैं जाती हूँ। चावल का पानी भी उबल रहा है, अभी मैं चावल को इसमें डाल लेती हूँ। चावल का अदन भी आ गया है, अभी मैं चावल को डाल लेती हूँ। चावल में आधे घंटे से भिगो कर रख ली थी चावल को, क्योंकि चावल को भिगो के डालने से चावल झटपट रेडी हो जाते हैं, इसीलिए। माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है। जब भी मैं घर में बिरयानी बनाती हूँ या ये अंडे की बिरयानी बनाती हूँ तो घर में बहुत सारी खुशबू आ जाती है। सभी बोलते आप क्या डालते हो मसाले, ऐसे क्या डालते हो। मेरे पड़ोस में भी पूछते हैं आप क्या डालते हो मसाले, देखिए यही है मसाला। मैं बोलती हूँ देख लीजिए आप, मेरे चैनल को देखिए आप करके मैं बताती हूँ। आप लोग भी मत भूलिए मेरे चैनल को देखिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको ऐसे ही नए नए रेसिपी लेकर आऊंगी। मैं अभी चावल को आधा पकने देंगे हम, आधा पकने के बाद हम इसको देख लेंगे। देखिए चावल पक चुके हैं। मैं अभी इसमें का चावल में का पानी निकाल लेती हूँ। हमें आधा ही पकना है चावल, पूरा चावल को नहीं पकाना है, थोड़ा बाकी रखना है इसे, क्योंकि दम होना है ना, इसीलिए। अब मैं ये पानी निकाल कर आपको बताती हूँ। ये देखिए पानी मैं निकाल चुकी हूँ, कितने फरारे हैं चावल, अभी थोड़ा गल ये पकना बाकी है, दम में हो जाएंगे वो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ चावल कैसे डालते हैं। मैं थोड़ी अखनी दूसरे में निकाल लेती हूँ। आलू मसाला अंडे थोड़ा मैं दूसरे में निकाल लेती हूँ। देखिए मैं निकाल ली हूँ आधा। अब इसमें हम चावल डाल लेंगे। इसमें आधे चावल इसमें डाल लेंगे। इसको अच्छे से बिछा लेना है, चावल को बिछा लेना है। आप चावल डालने के वक्त आप नींबू आ जाए तो निकाल लेना, आप नींबू की जरूरत अब नहीं है। देखिए इसमें आप मैं थोड़ी सी हरिया धनिया थोड़ा सा हम थोड़ा ही डाले थे ना अखनी में, इसीलिए थोड़े से पुदीने के पत्ते थोड़े से, और यहाँ पर थोड़ा सा घी, फिर जो अखनी है फिर इसको हम इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, आप जरूर से बनाकर खाकर देखिए, आपको ही पता चल जाएगा कि मैं क्या सच बोल रही हूँ। अभी मैं इन पूरे चावल को भी इसमें डाल लेती हूँ। देखिए सभी चावल मैंने डाल ली हूँ इसमें कढ़ाई में। अब इसमें और थोड़ा सा हरिया धनिया, थोड़ा सा हरिया धनिया, क्योंकि बहुत कम डाला था हम हरिया धनिया इसीलिए, और पुदीना भी नहीं डाला था, आखिर में ही पुदीना इसमें जाता है। फिर 4 से 5 पत्ते पुदीने के, मुझे पुदीने की खुशबू भी बहुत पसंद आती है। अब इसमें जाएगी प्याज।
इसमें प्याज और इसमें आधी कप कटोरी हमने घी दिखाए थे ना, इसमें फर्स्ट लेयर में भी हमने घी डाला है, अभी भी हम इसमें घी डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा केसर कलर मैं डालती हूँ अब इसमें। थोड़ा सा आपको ज्यादा चाहिए तो आप कलर ज्यादा ले सकते हैं, मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे मैं एक 3 स्पून जितना डाली हूँ कलर, बस मुझे इतना ही चाहिए। अब इसको हम ढककर दम पे रख देंगे। ये देखिए मैं दम पे रख दी हूँ गैस को ऑन करके, दम होने के बाद मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। इसको एक 5 मिनट के लिए हम दम पे ऐसे ही छोड़ेंगे। ये देखिए बिरयानी दम हो चुकी है, अंडा बिरयानी, एग बिरयानी, माशाल्लाह। ये देखिए चावल भी गल चुका है, कितना खिला खिला है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल कर बताती हूँ। माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, अभी मैं इसमें प्लेट में आपको निकाल कर बताती हूँ। मसाला ऊपर से नीचे से बीच से मसाला सब भर भर के निकल रहा है। देखिए ऊपर से चावल अलग से दिखते हैं, मसाले के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं चावल। मैं सभी निकाल कर आपको बताती हूँ। थोड़े से हरे धनिये के पत्ते, थोड़े से, अब इसमें जाएगा मैं यहाँ पर बादाम, काजू, किशमिश घी में तल कर रख ली थी ना, उसको अब हम डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे, माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, उतनी अच्छी आ रही है। ड्राई फ्रूट भी डाल ली हूं मैं, अभी मैं आपको खाकर बताती हूँ। माशाल्लाह खुशबू तो सही में बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें। देखिए मैं खाकर बताती हूँ। माशाल्लाह इतनी टेस्टी बनी है बिरयानी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है, जरूर से बनाकर खाइए आप लोग भी। इसकी एक फोटो खड़ी देखिए, बनाई हूँ अंडे की बिरयानी, एग बिरयानी, बहुत जल्दी बनती है, बनाकर खाकर देखिए बहुत टेस्टी बनती है, मैं खाकर भी बताई हूँ। बनाइए खाइए, बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगी, जरूर से बनाकर खाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।